हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धचालक, या जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा बीएससी के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। साथ ही आज हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए आज का नोट्स हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर जो सॉलिड होते हैं उसे थ्री ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सुचालक, कुचालक, देन अर्धचालक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो इसे आप लोगों ने 11, 12 में जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में, बट आज हम इसे केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो मैंने पिछला वीडियो बताया था आप लोगों को क्रिस्टल डिफेक्ट, उसी से रिलेटेड है, मतलब जालकता दोष से रिलेटेड ही है ये अर्धचालक। सबसे पहले हम देख लेते हैं सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसे कंडक्टर भी कहा जाता है। सुचालक के अंतर्गत वे मटेरियल, वे पदार्थ आते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सप्लाई आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो है वो हेल्प करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है वो कंडक्टर कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों का सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये जो होता है वो सुचालक के अंतर्गत जो है वो आते हैं। सेकंड देखते हैं कुचालक, जिसे इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि रबर, कांच, लकड़ी, पेपर, ये सारे जो है वो कुचालक या इंसुलेटर जो है वो कहलाते हैं। थर्ड आता है अर्धचालक, जिसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल में देखने वाले हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो पहले तो इंसुलेटर होते हैं, मतलब पहले जो है वो कुचालक होते हैं, मींस उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें या इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होता है। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं, जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या फिर उसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, मीन्स उसमें कोई और एलिमेंट जो है वो एड कर देते हैं, उसके बाद अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो वो आसानी से सप्लाई होने लगता है। कहने का मतलब है इसमें दो गुण होता है, अगर हम इसमें अशुद्धि या फिर इसका तापमान बढ़ाते हैं तो ये अपना जो गुण है वो चेंज कर देते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो मटेरियल होता है गाइस वो सेमीकंडक्टर जो है वो कहलाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। डेफिनेशन इसका देख लेते हैं, वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में, ना तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होते हैं, परंतु टेम्परेचर बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगती है। तो ऐसे टाइप से जो पदार्थ होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। मेनली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप का अर्धचालक, मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब शुद्ध जर्मेनियम में, मतलब जो प्योर जर्मेनियम, हमें पता है कि जो जर्मेनियम है वो जो है वो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, बट इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो शुद्ध जर्मेनियम है अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो पहले नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस जर्मेनियम को गर्म करते हैं या फिर इस जर्मेनियम में हम कोई अशुद्धि मिला देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो AS और SB, मतलब आर्सेनिक या फिर एंटीमनी अगर हम इसमें मिलाते हैं तो फिर वो अर्धचालक, मतलब वो जो होते हैं वो कंडक्टर के समान जो है वो बिहेव करने लगते हैं, मतलब अब उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि अगर हम जर्मेनियम में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं या फिर इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं तो फिर वो जो है वो एक चालक के समान, मीन्स एक कंडक्टर के समान जो है वो बिहेव करने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है गाइस, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम में AS या SB जो है वो मिलाए जाते हैं तो तब AS मतलब आर्सेनिक और जो एंटीमनी के जो एटम है वो जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है वो प्रवेश होकर जर्मेनियम एटम का स्थान जो है वो ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स की बात करें, अगर हम जर्मेनियम में जो है वो आर्सेनिक या अदर एलिमेंट जो है वो मिलाते हैं, जैसे कि मैंने एंटीमनी बताया था, क्योंकि हमें पता है कि जो जर्मेनियम होते हैं उसमें जो है वो उसके जो बाह्यतम कोष में जो है वो चार इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम इसमें आर्सेनिक या एंटीमनी जो है वो मिलाते हैं तो ये जो आर्सेनिक और एंटीमनी के जो एटम होते हैं वो जर्मेनियम के एटम के साथ आकर के जुड़ जाते हैं या उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं या उसकी जो है वो जगह ले लेते हैं।
तो हमें पता है कि जो जर्मेनियम के जो बाह्यतम कोष में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो आर्सेनिक है उसके बाह्यतम कोष में जो है वो केवल 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाता है, मतलब इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन और इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो ओवरलैपिंग अतिव्यापन करके 4 एटम जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करके जो है वो 4 प्रकार के बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है आर्सेनिक का, तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो सप्लाई करने लगते हैं। यहाँ पे केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्सेनिक के जो है वो एटम होते हैं, बहुत सारे जर्मेनियम के एटम होते हैं, तो उन सारे एटम में कहने का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचते जाता है। अब क्या होता है गाइस, पूरे क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कोई भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने में सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो ये करंट को जो है वो सप्लाई करते हैं, विद्युत धारा को जो है वो प्रवाहित करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो करंट सप्लाई होने लगता है, तो ये जो होता है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो कहलाता है। तो गाइस मैंने नोट्स में यही लिखा हुआ है कि जब शुद्ध जर्मेनियम में As या Sb मिलाए जाते हैं तब As एंड Sb के जो एटम है वो जर्मेनियम क्रिस्टल में प्रवेश होकर जर्मेनियम एटम का जो है वो स्थान ले लेते हैं। अब क्या होता है, As तथा Sb की जो बाह्यतम कक्षा में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब As तथा Sb के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है गाइस कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई होने लगता है। तो ये जर्मेनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, क्योंकि पहले तो ये विद्युत का कुचालक होते हैं, मींस पहले ये विद्युत का जो है वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन बाद में जब हम इसे गर्म करते हैं इसमें अशुद्धि मिला देते हैं वो तो एक कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये होता है सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ओके गाइस, अब हम पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब शुद्ध जर्मेनियम में गैलियम या इंडियम अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं तब इनके एटम जर्मेनियम के क्रिस्टल या जालक में जर्मेनियम एटम का स्थान ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एन टाइप में पढ़ा था कि हम लोगों ने जब जर्मेनियम में कुछ अशुद्धि मिलाया, मतलब कुछ अदर एलिमेंट जो है वो एड किया, तो वो जो अशुद्धि के जो एटम्स हैं वो जर्मेनियम के एटम के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, या उसका जो जर्मेनियम के जो क्रिस्टल है उसके साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के जो बाह्यतम कोष में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि गैलियम के बाह्यतम कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके जो है वो 3 प्रकार के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी रह जाती है। कहने का मतलब है कि जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं कमी रह गई जिसके कारण से बॉन्ड नहीं बन पाया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिसके कारण जो पूरे क्रिस्टल है उसमें जो है वो रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब उसमें जो है वो वैकेंसीज जो है वो बनने लगते हैं और होल उत्पन्न हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। तो ये जो पूरे क्रिस्टल में होल्स उत्पन्न होते हैं उन्हीं होल्स के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई होने लगते हैं। तो एक बार आप लोग नोट्स में देख सकते हो, सारा चीज मैंने यही लिखा हुआ है कि जब शुद्ध जर्मेनियम में गैलियम या इंडियम के अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं तब इनके एटम जर्मेनियम के क्रिस्टल में जर्मेनियम एटम का जो है वो स्थान ले लेते हैं। गैलियम एटम की जो बाह्यतम कक्षा में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निकटवर्ती जर्मेनियम एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। जर्मेनियम के 4 एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी रह जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अतः क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज उत्पन्न हो जाती है, मतलब जो पूरे क्रिस्टल है वहां पे कहने का मतलब है कि होल उत्पन्न हो जाता है, खाली जगह छूट जाता है। तो क्योंकि धारा का प्रवाह इन होल्स के कारण होता है इसलिए इस प्रकार का जो सेमीकंडक्टर होता है उसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो कहा जाता है।
ये दोनों हो गया गाइस, एन टाइप के सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर थे उसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बचने के कारण पूरे क्रिस्टल में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगता है। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने ये जाना कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वहां पे जो है वो होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई होने लगता है। तो ये है गाइस सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब है कि अगर हम अशुद्धि और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पूरी प्रॉपर्टीज उस केमिकल या उस पदार्थ की जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये है गाइस सेमीकंडक्टर। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।